नमस्ते, माय निस्टारो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फिर आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की, तो आज रात उनका मूड कैसा है, आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, जस्ट प्लीज गाइड करें। थ्री ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वॉर्ड्स, फोर ऑफ सोर्स, द डेविल, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉर्ड्स, द मैजिशियन, टेन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, पार्डन द डेक से है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आप सब के लिए ना सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है। आज से अगले छः दिन सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है। अगले छः घंटे कह सकते हो, मिनट या घंटे या दिन, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स अगले छः दिन में भी बहुत सारे रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, ठीक है। देखिए, इस पर्सन के फीलिंग्स में आप बहुत स्ट्रांगली शामिल हो, ठीक है, लेकिन सिचुएशन जैसे ये बैलेंस करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि अगले छः दिन में ये काफ़ी कोशिश करने वाले हैं, ठीक है, ये पर्सन काफ़ी कोशिश करने वाले हैं। लेकिन व्यूअर जी, यहाँ पे आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ पेनफुल सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, ठीक है। देखिए, कुछ व्यूअर्स आपके पर्सन ना, सच पूछिए तो प्यार आपसे करते हैं, बट ये सेपरेशन ये कह रहा है कि थर्ड पार्टी के वजह से आपके पार्टनर आपसे जानबूझकर डिस्टेंस करते हैं और ये डिस्टेंस मेंटेन करके भी रखते हैं। लेकिन यहाँ ब्रोकन एनर्जी है, सेपरेशन है, हेडक है, टेंशन है, दर्द और परेशानियाँ हैं। देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने वक्त आपको नहीं दिया। वो वक्त क्यों नहीं दिया? वो वक्त आपको समझने के लिए नहीं दिया, मतलब उन्होंने आपको पूरी तरह नहीं समझ पाए। लेकिन आज सेपरेशन ये कह रहा है कि आज ही मैं तो तुम्हें फील कर पा रहा हूँ, तुम्हें समझ पा रहा हूँ। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने शायद आपसे वक्त मांगा हो जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है। उन्हें फील हो रहा है ये सेपरेशन के वजह से, जो भी आप दोनों के बीच में पेनफुल सिचुएशन चल रहा है, ये दर्द आपको ही नहीं आपके पार्टनर को भी हो रहा है। लेकिन उनकी एनर्जी बहुत अग्रेसिव है, ठीक है। द डेविल जो कह रहा है, ये एनर्जी अग्रेसिव है, मतलब अंदर से ये बहुत ज़्यादा ना गुस्से की एनर्जी में है। इस सेपरेशन को थर्ड पार्टी से स्ट्रेस चल रहा है, पेनफुल सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सेपरेशन चल रहा है। इसको हील करने के लिए, जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी ट्रिगर कर रही है, वो जिस तरह आपको फील कर रहे, जितना ये इमोशंस फील कर रहे हैं, ये पर्सन आप देख सकते हो कि इनके अंदर कितनी एनर्जी जो ट्रिगर कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से। कुछ व्यूअर्स जी, आपके पार्टनर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं,
देखिए, एक तो यादों को भुलाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं, इतने ये ईगोइस्टिक हैं, इतने अपने एनर्जी को निगेटिव थॉट्स की तरह, मतलब अपने आप को ट्रिगर करना शुरू करते हैं, तो ये पर्सन दर्द और सेपरेशन और आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये पर्सन इमोशंस को दबाने के लिए, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, ये अपने आप को हील करने के लिए, समझाने के लिए ये स्मोकिंग या ड्रिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इस पर्सन का कहना है कि मुझे आज भी थोड़ा वक्त चाहिए, ये मेरे लिए क्या कनेक्शन है और मैं कितना स्ट्रांग फील करता हूँ ये मैं समझता हूँ, एक्सप्रेस नहीं करता हूँ। ये कहना चाहते हैं मैं एक्सप्रेस नहीं करता हूँ, मेरे मन में हो, मेरे दिल में हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखा जाए इस सेपरेशन के दौरान कहीं ना कहीं मेंटली फिजिकली भी मिसिंग एनर्जी भी है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि तुम में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, मुझे तुम काफ़ी पसंद आते हो या आती हो, लेकिन आप लोग के प्रॉब्लम्स ये है कि सिचुएशन सेपरेशन थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। ठीक है, लेकिन अपने दर्द को, अपने सेपरेशन को वो कैसे हील करें। ठीक है, ये पर्सन को ऐसा लगता है मायूसी, उदासी, कन्फ्यूज़न ज़रूर है, लेकिन ये मैजिशियन कह रहा है, देखिए ये भी पास्ट ही है, तो कहीं ना कहीं देखिए पास्ट में आपने इनकी चीज़ों को बहुत अच्छे से हील किया है और इनके लाइफ के दर्द को, पेन को बहुत अच्छे से आप हील किया है, मतलब आपने बहुत अच्छे से इनके लाइफ के सिचुएशन को हील करते हुए उनके लाइफ की सारी दुख परेशानियों को आपने दूर किया है। ठीक है, सच तो ये है कि आज आप उनके पास नहीं हो, फिजिकल लेवल पर आप उनके पास नहीं हो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन शायद ये सेपरेशन की एनर्जी, ट्रिगर की एनर्जी इन्हें कंट्रोल भी नहीं हो रहा है और शायद ये अब इंतज़ार भी काफ़ी हो चुका, कंट्रोल भी काफ़ी कर चुके हैं, लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इन्होंने वक्त मांगा हो और आपने बोला हो कि डिसीजन सुनाओ, मुझे डिसीजन चाहिए कि आखिर क्या चाहते हो या क्या चाहती हो, इस प्रकार आपके पर्सन ने, हो सकता है कि आपसे दूरियां बनाई, लेकिन आज कुछ मजबूरियां, परेशानी ये ज़रूर कह रही है कि मुझे भी इंतज़ार है और मुझे भी बैलेंस चाहिए, ये सामने से ऑफर करेंगे आपको ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन मेंटली ये डिस्टर्ब होने के कारण वो आपसे बात शायद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको भुलाया भी नहीं जा सकता क्योंकि इस वक्त इनकी ही लाइफ में ब्रोकन वाली एनर्जी है, पेनफुल सिचुएशन है, लेकिन ये पर्सन आपको सामने से ऑफर करना चाहते, चाहे कमिटमेंट हो या इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, लेकिन अगर इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है तो यहाँ पे आपके पार्टनर अपने लाइफ की सिचुएशन को देख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने जो कुछ भी किया हो, गलत किया हो या आपके साथ झूठ बोला हो, लेकिन यही सेपरेशन उन्हें आपकी याद, एहसास दिला रहा है। देखिए यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन इसलिए है कि आपके पार्टनर को कोई भी थर्ड पार्टी है उनके साथ इनकी नहीं चल रही, मतलब कि इनके साथ भी धोखा ही हो रहा है, इनको वो इमोशंस फील कराने वाला ये थर्ड पार्टी नहीं है, मेल हो फीमेल हो, और जो भी थर्ड पार्टी हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, वो आपके पार्टनर को वो पैम्पर, वो केयर, वो सपोर्ट नहीं दे पा रही हैं, और तो और ट्रिगर काफ़ी कर रहा है या कर रही हैं, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर सिर्फ आपके लिए सोच रहे हैं ताकि ये थर्ड पार्टी से निकलें। ठीक है, आपके तरफ ऑफर करें, आपके तरफ बैल बढ़ें और आप दोनों इस रिलेशनशिप में वो कॉम्प्रोमाइज करें, बैलेंस करें, लेकिन ये थर्ड पार्टी जो भी है कहीं ना कहीं जिस वजह से आपके पार्टनर थोड़ा कन्फ्यूज्ड हैं, लेकिन तो भी ये पर्सन आज भी, अभी भी, इसी वक्त भी ये पर्सन आपको इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करें, लेकिन शायद उनके आसपास के माहौल सही नहीं है, स्ट्रगल वाली है, स्ट्रेस वाली है, लोग अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को हेडक भी हो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर वो वक्त को याद जरूर कर रहे हैं जहां पास्ट में आपका रिश्ता बहुत ही बैलेंस्ड रहा है, सुबह शाम दिन और रात
कभी भी आप दोनों का एक मतलब दोनों आप दोनों एक ही जैसा आप दोनों के साथ वक्त बिताते थे, मतलब कि दिन और रात का पता भी नहीं चलता था। ये भी आपके लिए अवेलेबल होते थे और आप भी उनके लिए हर वक्त एनी टाइम अवेलेबल होते थे। लेकिन आज ये बंदा उस खुशी को तरस रहा है, तड़प रहा है और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। द मैजिशियन की एनर्जी है, क्या वो पुराने वक्त आ सकते हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ में ये कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, अपने लाइफ में कुछ ये प्लानिंग कर रहे हैं, इस सेपरेशन जो भी सेपरेशन के बीच में कुछ ये प्लानिंग भी कर रहे हैं, प्यार को और आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बस ये चाह रहे हैं कि कैसे मिलूं और क्या करूं, ठीक है। हो सकता है कि चीज़ें मैनिफेस्ट कर कर आपके पार्टनर ईश्वर से गॉड से हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि हर हाल में वो चाहते हैं, 6-6 की एनर्जी है और ये बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कुछ ऐसी बातें हैं जो इनके लाइफ में चल रही, कुछ पास्ट है वहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ प्यार भी दिख रहा है, प्यार भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सामने से ये बंदा आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान के अंदर फीलिंग्स काफ़ी मैं देख पा रही हूँ, लेकिन शायद इनके सिचुएशन सही नहीं दिख रही है, ठीक है, और शायद ही आपको खुलकर आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपको अपने दिल की बात, अपने इमोशंस को शेयर करें, लेकिन ये एनर्जी, ये नाराज़गी, ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये कह रहा है कि अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जिस वजह से आपके लिए वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, ना ही अच्छे से आपको वक्त दे पा रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। देखिए, इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि मुझे और काफ़ी स्टेबल होना है आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से वो प्रपोज कर सकें, कमिटमेंट दे सकें, एक्शन ले सकें, करियर में स्टेबिलिटी में इस रिश्ते में वो सक्सेस पा सकें, ठीक है। कुछ ये प्लानिंग आपके पार्टनर करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपको बहुत बेनिफिट कर रहे हैं, आपके लाइफ में आना ये प्लानिंग कर रहे हैं, आपका प्यार पाना, कैसे मिलूँ, क्या करूँ, मतलब ये मैनिफेस्ट आपके पर्सन कर रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ ऐसे भी हैं कि यहाँ आपके पार्टनर पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है, खुद की एनर्जी को ट्रिगर कर रहे हो। कुछ व्यूअर्स ऐसा भी है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ने आपको सेपरेशन दिया, दर्द दिया, लेकिन इस पर्सन पे आपको पूरी तरह विश्वास नहीं होता है। कहने का मतलब, कभी कभी आपके स्ट्रेस के वजह से अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको बैकस्टेप किया है, तो बहुत सर्विस प्यार तो है आपको, लेकिन आप प्रॉपर ढंग से कभी कभी आप इन पर विश्वास नहीं कर पाते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि आप पुरानी यादों में आप भी रहते हो, कुछ पुरानी बातों में आप भी रहते हो। देखिए, इस पर्सन को नींद नहीं आती है, ठीक है, ये तो अपने लाइफ में उलझे हुए हैं, लेकिन आपसे अगर डिस्टेंस है तो ये पर्सन सो नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी बता रही कि आपके लिए अब काफ़ी पैशनेट फील करने वाले हैं, आज के समय के बाद ये पर्सन मुझे लग रहा है कि आपके लिए काफ़ी पैशनेट भी फील कर रहे हैं, थोड़ी रोमांटिक्स, थोड़ा अट्रैक्शन, थोड़ा पैशनेट एनर्जी ये जरूर दिख रहा है, क्योंकि उस पुरानी यादों के साथ साथ आपका प्यार भी जुड़ा है, आपकी ट्रू इंटेंशन भी जुड़ी हुई है, आपने जिस तरह इनको समर्पण किया है, जिस तरह आपने इनके लाइफ के दुख को, दर्द को हील किया है, उन पुरानी यादों में है। तो पास्ट में बहुत सारी बातें याद कर रहे हैं आपके पर्सन, और ये अपने इमोशंस के साथ आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं। यहाँ पे देखा जाए, इस पर्सन को बहुत फर्क पड़ रहा है, और देखा जाए अगर यहाँ इमेजन या फिर आप कंपैरिजन कह सकते हो थर्ड पार्टी और आपके बीच में, तो आप हर चीज़ डिजर्व करते हो। ये थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इसलिए आपके पार्टनर थोड़ा मायूस, थोड़ा कन्फ्यूज हैं, ठीक है। ये पर्सन निकलना चाहते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इस बीच में मुझे तुम्हारे लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, मेरी लाइफ की परेशानियां और मजबूरियां हैं, ये तुम बहुत अच्छे से समझ सकते हो या समझ सकती हो। लाइफ में जीना चाहता हूँ, तुम्हारे संग चलना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और इस दर्द को सिर्फ तुम ही हील कर सकते हो, ठीक है।
तुम्हें मेरे लाइफ में हर खुशी दे सकते हो। आपके पार्टनर थोड़ा वक्त निकालना चाहते, हो सकता है कि ज़्यादा वो अपने काम पर, अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं और काम में इम्प्रूव भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इस पर्सन को अब लग रहा है कि मुझे हर हाल में थोड़ा वक्त निकाल कर मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना ही होगा। तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर टेक्स्ट, कॉल, मैसेज भी कर सकते हैं और ये एक्शन भी लेने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि आपके वजह से ही इनके लाइफ में बहुत सारे एनर्जी ऐसी हो रही है जहां अब बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, चाहे वो मेंटली कहिए या फिजिकली कहिए या फिर पैसे से रिलेटेड कह सकते हो, या इनके लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है जो डार्क एनर्जी के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। कुछ डार्क एनर्जी हैं जो आपके पार्टनर के लाइफ में हैं, लेकिन आपके बगैर इनकी ज़िंदगी क्या है आप खुद ही देख सकते हो इन कार्ड को। यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। आपके बिना इनकी ज़िंदगी क्या हो रही है ये आप खुद ही देख रहे हो। तो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, हील करने के लिए, प्यार महसूस करने के लिए और आपको प्यार देने के लिए आप तक ये पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि जितनी इनके अंदर स्ट्रेस है, दर्द है, पेन है, थकावट है, उतना ही ये पर्सन आपके प्रति पैशनेट एनर्जी भी स्ट्रांग फील कर रहे हैं, इवन कि आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं न्यू बिगिनिंग के लिए और ये आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, इस दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी पेनफुल सिचुएशन उसे एंड करना चाहते हैं। कुछ वर्ष आपके तरफ कॉल मैसेज टैक्स आ सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है और आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़ भी रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट, ठीक है, ये पर्सन आपके तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा वो फील कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन का कार्ड ले लूं। देखिए अगले छः दिन में कुछ इम्प्रूव हो रहा है, अगले छः दिन में आपके पार्टनर आपके तरफ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिक्स और सिक्स की एनर्जी है बैलेंस का है, कॉम्प्रोमाइज़ का है, सक्सेस का है, ट्रैवल का है, कॉल मैसेज का है। बहुत लोग कॉल मैसेज भी रिसीव कर सकते हो, ठीक है, और कुछ लोग आपके लिए फोर नंबर इम्पॉर्टेंट है, फोर 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 नंबर हो सकता है अगले चार दिन में, अगले छः दिन में, या किसी के लिए मिनट घंटे सेकंड में भी आपके तरफ कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर अगले चार दिन अगले छः दिन में आप लोग की बात मुलाकात हो सकती है। चीज़ें बाबू मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, आप लोग के लिए भी गाइडेंस है कि चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ उनका, नेक्स्ट एक्शन देखिए, रोमांस आ रहा है, रोमांस 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 यानी अट्रैक्शन। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांस करना भी चाह रहे हैं, पुरानी यादों को याद कर। देखिए सिक्स नंबर आ गया, तो फोर, देखिए फोर नंबर भी आ गया, टू नंबर, देखिए बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है अगले चार दिन, अगले छः दिन, छः छः फोर फोर, मतलब छः छः यानी सिक्स सिक्स, चार यानी फोर फोर की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर अप्रोच करेंगे रियूनियन के लिए, कमिटमेंट की बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं आपको, कुछ दिल की बात शेयर कर सकते हैं, डिसीजन को लेकर कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी दिखा रहा है कि वो रियूनियन चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। ऑफर, अप्रोच, रोमांस, प्यार, चाहत, सेपरेशन एंड। तो बहुत सारे व्यूअर्स फोर नंबर इम्पॉर्टेंट और सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट, किसी के लिए अगले चार दिन, अगले छः दिन, मिनट घंटे सेकेंड भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स दिन भी हो तो अगले छः दिन और अगले चार दिन, क्योंकि सिक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीयूनियन के चांसेस स्ट्रांग दिख रहे हैं, फोर फोर की वाइब्रेशन, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। चाह कर भी वो आपको भुला नहीं पाएंगे, आपके करीब आना चाहते हैं और आप पर प्यार भी लुटाना चाहते हैं, इस डिस्टेंस को ओकम करना चाहते हैं। तू ही मेरी सब है, तू ही मेरी सुबह है, तू ही दिन है मेरा, वो वाली बात है। तो यहाँ आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत सर्विस रियूनियन होने वाली है, ठीक है, सेपरेशन एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर बहुत करीब आकर आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि इनके लाइफ में कितने सारे पेन हैं, कितने सिचुएशन खराब है बाबू, ठीक है।
तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्ट हैं, आपसे बात और मुलाकात रियूनियन करना चाह रहे हैं, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं क्योंकि सेपरेशन के बीच उन्हें नींद भी नहीं आ रही है, पुरानी यादों में है, पुरानी बातों में है। बहुत अच्छे दिन थे, बहुत अच्छा वक्त था, चीज़ें आपके साथ होने से चीज़ें बहुत अच्छे से वो हल हो जाता था या हील हो जाती थी, बहुत सारी खुशियाँ थी। तो आपके बगैर इनको नींद नहीं आ रही आपके पार्टनर की। ब्रोकन की एनर्जी से ये निकलना चाहते हैं, चाहत है, प्यार है, बहुत ज़्यादा रोमांस भी दिख रहा है। तो आपकी तरफ रोमांस करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं। और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपको मनाने के लिए या शॉपिंग करा सकते हैं या आपके लिए गिफ्ट लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है जी आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छे लगे डियर तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।